नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। क्रिकेट के 88 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ वो अब रणजी के इस मुकाबले में हो गया। जी हां, फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने इतिहास रच दिया और 41 बार की चैंपियन मुंबई को उसने मात देकर अपना पहला खिताब जीता है। शानदार तरीके से 6 विकेट से जीत दर्ज कर मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा है और मुंबई को ये हार दी है और पहली बार रणजी के 88 साल के इतिहास में मध्य प्रदेश को जीत मिली है जो फाइनल मुकाबले में। और जिस तरीके से मुंबई को उन्होंने हराया है वो काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि मुंबई ने अपनी पहली पारी में 374 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश ने 536 रन बनाकर पहली पारी के आधार पर ही अपनी बढ़त बना ली थी। और अगर मुकाबला ड्रॉ भी होता तो मध्य प्रदेश शानदार तरीके से फाइनल मुकाबला जीत जाता है। इसके बाद मुंबई 269 रन पर दूसरी पारी में ऑल आउट हो गई और फिर 108 रन जब बनाने थे मध्य प्रदेश को तो शानदार तरीके से मध्य प्रदेश ने 4 विकेट खोकर वो 108 रन बना लिए। और एक बार फिर से जिस तरीके से उन्होंने इस सीजन में प्रदर्शन किया और वो जीत के निश्चित तौर पर हकदार थे। मुंबई की मजबूत टीम को उन्होंने हराया, आप इसी बात से समझ सकते हैं। 41 बार की चैंपियन है मुंबई और उसे रणजी के फाइनल में हराना लगभग हमेशा से नामुमकिन से रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा। 88 साल के इतिहास में पहली बार उन्होंने फाइनल जीता। आपको बता दें कि इस मैच में हीरो जिस तरीके से बनकर मध्य प्रदेश की तरफ से कई खिलाड़ी उभरे, वो चाहे रजत पाटीदार की बात हो या फिर कुमार कार्तिकेय की बात हो या फिर शुभम शर्मा की बात हो, सब ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले में शुभम शर्मा को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया, जबकि रणजी के इस सीजन में धमाकेदार, जबरदस्त और शानदार प्रदर्शन करने वाले मुंबई के सरफराज को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। तो शानदार तरीके से मध्य प्रदेश ने जीत दर्ज कर ली है, जिसके बाद मध्य प्रदेश टीम को अब बधाई भी मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि 88 साल के रणजी के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश ने यह मुकाबला जीता है। आपको बता दें कि बेंगलोर में यह मुकाबला खेला गया, जहां पर फाइनल मुकाबले में शानदार तरीके से जीत दर्ज की है और जीत के बाद अब लगातार मध्य प्रदेश को बधाइयां मिल रही हैं और लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी टीम को बधाई दी है, कोच को बधाई दी है और कप्तान को बधाई दी है। फिलहाल सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान। आज पूरा प्रदेश गदगद और प्रसन्न है, भाव विभोर है। मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। पहली बार कई बार की विजेता मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीत ली है। मैं टीम के कोच श्री चंद्रकांत पंडित जी को, टीम के कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव जी को और उनके साथ पूरी टीम को, क्योंकि जीती है तो टीम जीती है, हृदय से बधाई देता हूँ। उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और केवल बधाई यहां सीमित नहीं रहेगी, पूरी क्रिकेट टीम का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भव्य स्वागत किया जाएगा, नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। क्रिकेट का एक नया इतिहास रचने वाले हमारे क्रिकेट वीर रणवांकरे, उनका भव्य स्वागत होगा।